जय श्री कृष्णा दोस्तों, जीवन में जब समस्याएं बहुत ज़्यादा हो और उपाय करके थक चुके हैं तो एक नियम बना लीजिए। मैं आपको बताऊं वो कैसा नियम है। प्रतिदिन नियमित रूप से सिर्फ रविवार का दिन छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, संडे का दिन तो छुट्टी का दिन होता है, तो वो भी दिन आप छुट्टी का दिन निकाल दीजिए। सिर्फ आपने सोमवार से लेकर शनिवार तक ये उपाय करना है। और एकादशी पड़ जाए तो अति उत्तम है, एकादशी के दिन तो ज़रूर से ज़रूर ये उपाय कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ, तो पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, साथ में माँ लक्ष्मी भी वास करती हैं और त्रिदेव वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ में शनि देव भी। धन संबंधी समस्याएं हो या शनि प्रकोप से बचना चाहते हो तो पीपल के वृक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से आप एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएँ। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होती, शनि दोष भी दूर होता है, ग्रह दोष, और साथ में मैं आपको बता दूं आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष है तो वो भी शांत हो जाता है। है ना कितने कमाल की बात। सिर्फ एक लोटा जल आपने चढ़ाना है पीपल के वृक्ष में, रविवार का दिन छोड़ दीजिए। जैसे कहते हैं ना छुट्टी का दिन, तो छुट्टी का दिन है रविवार के दिन, कभी भी पीपल के वृक्ष में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाते हैं। अब बाकी के दिन आप जल चढ़ाएं। अब एकादशी का दिन हो या गुरुवार के दिन, आप जब पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा रहे हो तो एक लोटे जल के अंदर आप हल्दी मिला लें। हल्दी मिला के और थोड़ी सी चने की दाल डाल के और गुड़ मिला के फिर पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ाते हैं एकादशी या गुरुवार के दिन में, तो आपकी धन संबंधी समस्याएं सारी दूर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और शनिवार के दिन जब आप जल अर्पण करें तो उसमें काला तिल ज़रूर से ज़रूर मिला लें, और फिर अर्पण करते तो शनि दोष दूर होता है, साथ में पितृ दोष दूर भी होता है। और नियमित प्रतिदिन जब आप भी चढ़ाते हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसमें अक्षत ज़रूर मिलाएं, कुछ मीठा मिला के फिर ये जल अर्पण करते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वो भी समय जो है वो 10:30 बजे, सुबह के 10 से 10:30 बजे के बीच में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं पीपल का वृक्ष में। तो आप कोशिश करें कि 10 से 10:30 के बीच में आप अगर जल अर्पण करते हैं पीपल के वृक्ष में, तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो, तो उस दिन ज़रूर से ज़रूर आप पीपल के वृक्ष में कच्चा सूत लेके जाएं और कच्चे सूत को आप बांधते हुए अपनी मनोकामना बोलें, 7 परिक्रमा लगाएं और वहीं खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला जाप कर लें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वो आप कोई सा भी दिन ले सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं या शनिवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं, एकादशी के दिन ये उपाय कर सकते हैं, कोई भी शुभ दिन है आप इस दिन ये उपाय करें। और संध्या सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक ज़रूर से ज़रूर प्रज्वलित करें। 7 शनिवार अगर आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं, और वो भी इस तरीके से कि आटे का दीपक बना लें, चौमुखी दीपक, और उसमें आप काले धागे की बाती बनाएं और काले तिल और काली उड़द का आसन देके फिर ये दीपक आप प्रज्वलित करते हैं 7 शनिवार, तो जीवन की समस्याएँ दूर होती हैं, शनि दोष दूर होता है, पितृदोष शांत होता है, घर में अगर ग्रह क्लेश चल रहा है वो भी शांत होता है। तो इस तरह से दीपक प्रज्वलित करने से पीपल की वृक्ष जड़ के पास में जीवन की काफ़ी समस्याएं दूर होती हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हमेशा करें जब भी आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो पीपल के वृक्ष से जुड़ी हुई आज जो मैंने आपको जानकारी या उपाय दिए, इसे करके देखें, आपके कई दोष, कुंडली के कई दोष दूर हो जाते हैं, पितृदोष शांत हो जाता है, ग्रह दोष शांत होता है, शनि दोष शांत होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। हाथों में जब आपकी जीवन रेखा कम हो और कष्ट और परेशानियां ज़्यादा हो तो पीपल के वृक्ष में सोमवार के दिन जब आप जल चढ़ा लें तो वहीं बैठ जाए पीपल के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष को अपने सीधे हाथ से छुएं और वहीं बैठ के नमो शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लें, तो जीवन की जो रेखा हस्तरेखा में आपकी कम है वो लंबी हो जाएगी, आपकी जीवन रेखा लंबी हो जाएगी और जीवन में कष्ट परेशानियां चल रही उसमें से भी आपको निजात मिलेगी। तो ये छोटे से उपाय ज़रूर से ज़रूर पीपल के वृक्ष करके देखिए, जीवन की समस्याएं ना दूर हो तो फिर कहना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे आगे दीजिए, फिर आऊँगी इस तरह की कुछ ज्योतिष उपाय जानकारी के साथ में। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। और हाँ, जो भी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को ज़रूर दबाना, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है।
बस आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा मेरे चैनल की आती रहेगी। इस तरह के जो भी ज्योतिष उपाय मैं आपके लिए लेके आती हूँ वो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले मिल जाएंगे और आप उसे देख सकें और उसका आनंद लेके उनका उपाय को अगर करते हैं तो जीवन की समस्याएँ दूर होती हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी मैं। जय श्री कृष्णा। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो। जय श्री कृष्णा।